जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? क्या समाचार है, हाल समाचार? कल हम लोगों ने वर्क पढ़ा था और वर्क के अंदर हम लोगों ने जो इंटरनल फोर्सेस के वर्क होते हैं वो देखे थे। तो टेंशन का देखा, नॉर्मल का देखा, स्टैटिक फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का, ये सारे वर्क मैंने आपको बताए थे। और ज्यादातर जो मैंने सवाल कराए थे उसके अंदर आपको कांस्टेंट फोर्स का ही वर्क निकलवाया था। अब हम लोग ऐसा देखेंगे कि अगर फोर्स वेरी कर रहा है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्सेस का जो वर्क होता है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए फोर्स वेरिएबल है तो हम किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे। तो इसके अंदर जैसे होता क्या है, dW इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस, ठीक है। अब अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार क्या होता है कि एफ और डीएस, एफ कांस्टेंट हुआ तब तो बाहर आ गया, लेकिन कांस्टेंट नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा। और एफ और डीएस जो है, फिर इनमें आपस में आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा कि एफ और डीएस में क्या रिलेशन है, और या तो एफ को एस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या एस को एफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो तो जैसी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्ट करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसे जीरो से डी डब्ल्यू, जीरो से डब्ल्यू हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, अच्छा जैसे F को हम, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है एफ एक्स आई कैप, पूरा मान लो सब कुछ वेक्टर में दिया है, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, F ऐसे लिख दिया मैंने, और ds जो है मान लो हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे आ गया। तो अब इसमें अगर आप देखें तो डॉट प्रोडक्ट में एक्स वाला एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई वाला वाई से और जेड वाला जेड से। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम वर्क की वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ना तो आपको ये याद करना है, ये याद करना है, याद आपको यही करना है कि वर्क डन जो होता है ना एफ डॉट डीएस होता है। कई बार एफ को हम डीएस में कन्वर्ट कर पाते हैं, कई बार नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। तो जब नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, तो एस को फिर एफ में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि ये दोनों एक ही वेरिएबल में आ जाए। और जब एक वेरिएबल में आ जाएंगे तो फिर हम इंटीग्रेट करके वर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कैसे इसको सवाल करते हैं, इस पर बेस कुछ सवाल बनते हैं, तो वो सवाल मैं कराने जा रहा हूं, कोई क्वेश्चन में देने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सपोज करिए एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये जो ब्लॉक है ये फिलहाल अभी ओरिजिन पर है, फिलहाल ये ब्लॉक जो है अभी ओरिजिन पर है, और इसके ऊपर हम F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और F की वैल्यू इन्होंने रखी है 2x प्लस 1। एफ फोर्स लगा रहे हैं, पार्टिकल स्टार्ट करेगा x बराबर जीरो से, और एफ फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो इसके अंदर क्वेश्चन लिखें, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। ये फोर्स जो है कितना वर्क करेगा, एज मैं लिख देता हूं फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल टू टू, इस फोर्स का वर्क बताओ एक्स इज इक्वल टू वन से एक्स इज इक्वल टू टू तक। ये जो पार्टिकल है ये x बराबर 1 से x बराबर 2 तक ही जाएगा, तो आपको इसका वर्क बताना है। तो अगर इसका वर्क बताना है तो अब देखें, इसको एक मिनट का समय मैं आपको देता हूं पॉज लेके, इसको सॉल्व करें, फिर आरएसआर का सोल्यूशन देखें। तो अब जैसे dW जो है एफ डॉट डीएस होता है, थोड़ा ध्यान से आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो एफ और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एफ डॉट डीएस जो हो जाएगा वो एफ डीएक्स हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो डीएस की जगह एक्स हो गया, एफ की जगह आ गया 2x प्लस 1 इंटू डीएक्स। अब ये dW किसके बराबर हो जाएगा, ये dW हो जाएगा 2x dx प्लस dx, यहां जाएगा dW, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इन्होंने बोला है कि जब पार्टिकल 1 से 2 जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू जब 2 होगी तब वर्क डन बताना है, तो 0 से W हो जाएगा, ये 1 से 2, ये भी 1 से 2, सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 x dx हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2
लिमिट 1 to 2 प्लस इंटीग्रल डीएक्स एक्स हो जाएगा 1 to 2 यहां जाएगा, सॉल्व करने पे 2 से 2 कट जाएगा और ये बराबर जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 हो गया 3 और 2 माइनस 1 हो गया 1, तो ये 4 आ जाएगा, तो वर्क डन जो आएगा 4 जूल के बराबर आ जाएगा, वर्क डन की जो वैल्यू आएगी 4 जूल के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एफ डॉट डी एस करेंगे या तो एफ को एस में बदल लेंगे या एस को एफ में बदल लेंगे, ठीक है। और भी इस पे सवाल बनते हैं तरह तरह के। एक सवाल ये है, देखिएगा, एक फोर्स ऐसे दिया है एक्स आई कैप प्लस 2i j कैप, ठीक है, फोर्स जो है वो दिया है एक्स आई कैप प्लस 2i j कैप और क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एंड द वर्क डन बाय द फोर्स एज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू 1, 2। आपको इस फोर्स का वर्क निकालना है जब पार्टिकल जो है ओरिजिन से 1, 2 पर जाए, ठीक है। ये पार्टिकल जो है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू 1, 2, ओरिजिन से 1, 2 तक जब ये जाएगा तो इस फोर्स का वर्क आपको बताना है। पॉज लेंगे 2 मिनट का, फिर देखेंगे आरएसआर का सोल्यूशन। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो इसमें वही है dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, एफ जो है वो है एक्स आई कैप प्लस 2i j कैप, ds जो है वो है dx i कैप प्लस dy j कैप है। फर्दर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा x dx प्लस 2i dy, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये ओरिजिन से 1, 2 तक जा रहा है, ये 0, ये 0, 2, ये 0 से w, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व करने पर w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, w आ जाएगा, देखें x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x2/2 और y dy का हो जाएगा y2/2, x की वैल्यू जाएगी 0 से 1 और y की वैल्यू जाएगी 0 से 2, ये बोला है ना, ओरिजिन से 1, 2 जा रहा है तो x 0 था शुरू में, बाद में x1 हो गया, y 0 था शुरू में, बाद में y 2 हो गया। अब इसको पूरे को सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 1/2 + 4, तो ये हो जाएगा 9/2, 2 से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इधर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 + 4 9/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल फोर्स का वर्क निकाल सकते हैं। वेरिएबल फोर्स के वर्क के अंदर एक और सवाल आता है, स्टैंडर्ड सवाल आता है कि जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल 1 किलो का और फ्रिक्शन वगैरह कहीं कुछ नहीं है, μ0 के बराबर है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 2t के बराबर है, ठीक है। शुरू में ब्लॉक रेस्ट पे था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, शुरू में रेस्ट पे था, तो क्वेश्चन वही है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। इस फोर्स का पहले 2 सेकेंड में वर्क बताओ, तो आप ऐसा करेंगे कि 3 मिनट का पॉज लेंगे, फिर उसके बाद आरएसआर का सोल्यूशन देखेंगे। तो वर्क डन फोर्स का निकालना है पहले 2 सेकेंड में, तो वर्क डन अगर हमें निकालना है तो देखें भाई ये फोर्स बदल रहा है या कांस्टेंट है, तो ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स है तो हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा और तो कोई रास्ता अपने पास है नहीं, तो अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस
क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको मैं एफ डी एस भी बोल सकता हूँ। इसी को मैं एफ की जगह टू टी बोल दूं तो इसको मैं टू टी डी एस भी बोल सकता हूँ, जो डी डब्ल्यू आएगा ये टू टी डी एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर वर्क निकालना है तो या तो टी को एस में बदल दो या इसको टी में बदल दो। इंटीग्रेट तो तभी करोगे ना जब सारे वेरिएबल एक साथ हो जाएंगे, तो या तो टी को एस में बदल दो या एस को टी में बदल दो, तभी ये हो पाएगा। अब इसके बाद हम एस को टी में बदलें या टी को एस में बदलें, तो इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, ये जीरो से डब्ल्यू जाएगा और अभी टी और एस में रिलेशन ढूंढते हैं। तो टी और एस में रिलेशन ढूंढने की जो पहली कड़ी है वो ये कि एफ बराबर टू टी है, तो जो भी फोर्स आएगा वो मास इंटू एक्सेलेरेशन आ जाएगा। एक्सेलेरेशन हो गया डीवी बाई डी टी, मास हो गया 1 kg, तो 1 डीवी बाई डी टी हो गया। यहां से हम लिख सकते हैं डीवी इज इक्वल टू 2 टी डी टी। रुक जाइए, अभी हम डीएस को टी में बदल रहे हैं, मतलब हम एस और टी में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो हमने फोर्स को लिखा एम ए और ए डीवी बाई डी टी होता है, मास 1 kg है तो डीवी आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो शुरू में वेलोसिटी जीरो थी, टाइम भी जीरो था, बाद में वेलोसिटी भी हो गई, टाइम मान लिया मैंने टी हो गया, टी समय के बाद वेलोसिटी निकाल रहा हूं मैं। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टी डी टी टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो वी जो आ जाएगा वो टू टी स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो टू टी, तो बेसिकली ये टी स्क्वायर हो गया। लेकिन अभी हमें एस और टी में रिलेशन नहीं मिला है, ठहर जाइए, मिलेगा रिलेशन। धैर्य जो है उसका फल मीठा होता है, संतोष का फल मीठा होता है। दो से दो कट गया, वी टी स्क्वायर आ गया। अब वी की वैल्यू अगर टी स्क्वायर है तो हम ये जानते हैं कि वी किसके बराबर होता है, टी एस अपॉन डी टी। वी जो है वो डी एस अपॉन डी टी के बराबर होता है, इसका मतलब कि डी एस जो होगा वो किसके बराबर जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। जो डी एस है ये टी स्क्वायर डी टी के बराबर हो जाएगा, डी एस की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर डी टी। और हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करेंगे तो S की जो वैल्यू आएगी वो हमें निकालनी है। S की वैल्यू कितनी आएगी देखें जरा ध्यान से, ds जो है वो t स्क्वायर dt आ जाएगा, लेकिन खैर हमें S नहीं चाहिए था, हमें तो बस ds ही चाहिए ना भाई, यही तो अपना अल्टीमेटली यहां पे हम लोग आए थे। तो या तो S को t में बदल लें या t को S में, तो मैं ds की जगह t स्क्वायर dt लिख देता हूं। तो ये वाला जो है यहां से देखें आप, तो dw की जगह आ जाएगा टू था ही, टी था ही, यहां डीएस की जगह आ गया टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया, ये जाएगा टू टी क्यूब डी टी, ये जाएगा लिमिट जीरो से टी, ये जाएगा जीरो से डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू टी टू दी पावर फोर अपॉन फोर लिमिट जीरो टू टी, ये आ जाएगा। फिर ये सॉल्व करने पर हो जाएगा टी टू दी पावर फोर बाई टू लिमिट जीरो टू टू, फिर हम एक बार टी की जगह टू रख देंगे तो जाएगा टू टू दी पावर फोर बाई टू, ये हो जाएगा एट टू आठ जूल के बराबर हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं फिर से। डी डब्ल्यू होता है एफ डॉट डी एस, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एफ डॉट डी एस को मैं एफ डी एस लिख दूंगा और एफ डी एस लिखने के बाद ये हो जाएगा टू, एफ की जगह टू टी हो गया, डीएस हो गया, ये डीडब्ल्यू आ जाएगा। अब या तो टी को एस में बदले या एस को टी में बदल लें, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। एफ बराबर एम ए लगाता हूं, एफ ए टू टी, एम वन है, ए डीवी बाई डी टी है। यहां से जो डीवी आएगा वो देखें टू टी डी टी हो जाएगा, डीवी टू टी डी टी हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे टी डी टी को, तो टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, टू से टू चल गया, लिमिट रखेंगे तो टी स्क्वायर आ गया, वी आ गया टी स्क्वायर, और वेलोसिटी डीएस अपॉन डीटी भी होती है, तो यहां से हम डीएस की जगह टी स्क्वायर डीटी आएंगे। ये जो टी डीएस था इसकी जगह हम टी स्क्वायर डीटी कर देंगे, टी डीएस था ना, ये हम टी स्क्वायर डीटी कर देंगे, सॉल्व करेंगे और प्रॉपर लिमिट्स वगैरह रखेंगे, वर्क डन की वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी। एक सवाल ये आ रहा है कि जैसे एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कटोरा देखा है आप लोगों ने, कटोरा देखा होगा ना, ये ऐसे होता है कटोरा, आधा गोला अंदर से खाली और आधा गोला। कटोरे की जरूरत भी आप लोगों को पड़ेगी आगे अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे तो। खैर, तो ये एक कटोरा है या हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है और उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ए है और हाईएस्ट पॉइंट बी के बराबर है, और इस पार्टिकल पे हम एफ नॉट फोर्स लगा रहे हैं और ये कटोरे का रेडियस आर के बराबर है। तो इसके अंदर क्वेश्चन बन रहा है, पहला क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये आ रहा है, फाइंड द वर्क डन एफ
force always. When the work done, a force always remains horizontal. इसमें ये आपको बताया गया है कि पार्टिकल को हम ए से बी लेके जा रहे हैं, ऐसा इसमें बताया गया है कि जो पार्टिकल है इसको हम ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ए से बी ले जा रहे हैं, ये क्वेश्चन में लिखा है नहीं मैंने, ये बता दे रहा हूं कि अगर ए से बी ले जा रहे हैं और ये एफ नॉट हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है, एफ नॉट का मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट है ही, खैर नॉट लगाने का मतलब कॉन्स्टेंट में बोल रहा हूं एफ नॉट है, तो ये फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है और पार्टिकल को हम ए से बी लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन, ठीक है, इसको ये जो फोर्स एफ नॉट है इसका वर्क डन आपको बताना है। तो अगर इसका वर्क डन बताना है तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि भैया ये फोर्स कांस्टेंट है या ये फोर्स वेरिएबल है। तो अगर देखा जाए तो ये फोर्स कांस्टेंट आएगा या वेरिएबल आएगा, आप बताएं, सोचे। देखिए, अगर वेरिएबल फोर्स होता तो या तो मैग्नीट्यूड बदलता है या डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इसका कॉन्स्टेंट एफ नॉट है ही और डायरेक्शन ये कह रहे हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल है, हमेशा अगर इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल है, यानी जब पार्टिकल यहां पर होगा इस जगह पर होगा तब भी फोर्स ऐसे ही लग रहा होगा, यहां पर होगा तब भी ऐसे ही लग रहा होगा, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल है, तो ना तो डायरेक्शन बदला ना वैल्यू बदली, तो डायरेक्शन और वैल्यू अगर कुछ भी नहीं बदल रहा है तो ये कांस्टेंट फोर्स होगा। और कांस्टेंट फोर्स का वर्क तो हम सीधे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, तो फोर्स एफ नॉट है और जब ये यहां से यहां पहुंचा तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे ना, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो आ रही हुआ, पार्टिकल भले ही यहां से यहां पहुंचा लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर आप इसका देखोगे तो हॉरिजॉन्टली पहले यहां था फिर यहां पहुंच गया, तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका आर के बराबर है, तो वर्क डन जो आएगा वो एफ नॉट इंटू आर के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये सवाल हो गया, इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, इसी के अंदर तीन तरह के सवाल बनते हैं, तीनों एक ही जगह पे आपको करके बताऊंगा मैं। फिर से कटोरा, वही कटोरा, हाँ वही मैं वही तुम, ये ए ये बी, ठीक है, फोर्स एफ नॉट लग रहा है। तो इस बार ये क्वेश्चन के अंदर करें कि ये जो फोर्स है ना हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होता है, अभी यहां पर है फिर जब पार्टिकल यहां पर होगा तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो एफ नॉट ही है, कांस्टेंट ही है, लेकिन ये हमेशा पाथ के टेंजेंशियल है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, द फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल, द फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, द फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, फाइंड द The force is always tangential to the path. Find the work done and the work done by the force. ये सब नहीं लिखा रहा हूं कि ए से बी ले गए, ए से बी ले गए, ये अंडरस्टूड है, ए से हम पार्टिकल को बी ले जा रहे हैं और जब हम ए से बी ले जा रहे हैं तो फोर्स हमेशा पाथ के टेंजेंशियल लेता है, तो इस फोर्स का, ये जो फोर्स एफ नॉट है इसका वर्क बताना है। तो दो मिनट का पॉज लीजिएगा, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखिएगा, फिलहाल मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये पता लगाया जाए कि भाई देखिए अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो सीधे हम बोल देते हैं फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आसान हो जाता है, लेकिन अगर वेरिएबल होगा तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले तो ये पता लगाया जाए कि ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, आप बताएं क्या होगा, वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, सोचें, दिमाग में जोर डालें थोड़ा। तो देखें, ध्यान से देखें, तो फोर्स जो है मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन देखिए, पहले ऐसा था फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, तो डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, तो डायरेक्शन अगर लगातार बदल रहा है तो ये फोर्स वेरिएबल माना जाएगा। अब वेरिएबल माना जाएगा तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एस होता है। अब ध्यान से देखें, फोर्स हमेशा पाथ के टेंजेंशियल, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो एफ और डीएस का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इंटू डीएस इंटू कॉस जीरो, तो ये हो जाएगा एफ नॉट इंटू डीएस, ये डीडब्ल्यू आ गया, कॉस जीरो वन हो गया फोर्स। और देखिए, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही हमेशा फोर्स लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि फोर्स हमेशा पाथ के टेंजेंशियल है, हम इसको इंटीग्रेट कर डालें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो एफ नॉट तो बाहर आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एफ नॉट
इंटीग्रल डीएस। अच्छा, जब डीएस पे मैंने तीर लगाया था तब तक तो ये वेक्टर था, जैसे तीर हटा ये डीएस स्केलर हो गया। तो अब स्केलर का मतलब ये लंबाई हो गई, मतलब ये वेक्टर था, ये चीज स्केलर हो गया, यानी आर्क लेंथ हो गई। अब आर्क लेंथ अगर हम देखें तो यहां से यहां तक पार्टिकल जाएगा तो ये रास्ते की जो लंबाई आएगी, यहां से यहां तक की जो आर्क की लंबाई आ जाएगी, यानी डिस्टेंस जो आएगी वो पाई आर बाई टू आ जाएगी। टोटल पूरे सर्कल की होती 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बाई 4 करेंगे तो पाई आर बाई 2 आ जाएगी। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ नॉट इंटीग्रल डीएस एस हो जाएगा एफ नॉट पाई आर बाई 2, ये वर्कडन की वैल्यू आ जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में जो वर्कडन आएगा वो एफ नॉट इंटू पाई आर बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे। ठीक, एक तो इसमें यह सवाल आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा सुने, सेम वही कटोरा है जिस कटोरे के बारे में मैंने बताया आपको, आगे आपको जरूरत पड़ेगी अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आर है, ठीक है, ए है, ये बी है, ये आर है, और इसमें जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना एफ नॉट, वो इस तरह लगा रहे हैं कि वो हमेशा पॉइंट बी की तरफ डायरेक्टेड है। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो भी फोर्स जो है वो पॉइंट बी की तरफ डायरेक्टेड है, मैग्नीट्यूड तो एफ नॉट ही है इस बार भी, लेकिन जो फोर्स है वो हमेशा बी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। तो इसके अंदर क्वेश्चन है, द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स पॉइंट बी, the force is always directed towards point B. Find the force is always directed towards point B. Find the force is always directed towards point B. Find the work done by the force. फोर्स हमेशा पॉइंट बी की तरफ अगर डायरेक्टेड है, इस वाले केस में हमेशा हॉरिजॉन्टल था, इस वाले केस में हमेशा पाथ के टेंजेंशियल था, इसके अंदर क्या है, हमेशा पॉइंट बी की तरफ डायरेक्टेड है। तो अगर हमेशा पॉइंट बी की तरफ डायरेक्टेड है ये फोर्स, ठीक है, तो इस फोर्स का वर्क आपको निकालना है। तो अगर मैं इस फोर्स का वर्क निकालना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं इस फोर्स का वर्क निकालना चाहता हूं तो इस फोर्स का वर्क कैसे आएगा ये सुनिए। अगर मैं इसका वर्क निकालना चाहता हूं तो dW जो होता है, ये नहीं, dW तो चलिए बाद में, पहले तो देखा जाए कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो आप पहले बताएं कि फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है, बताएं, बोले नहीं बोल सकते, चलिए कोई बात नहीं, बहुत दूर बैठे हैं आप, सोच तो सकते हैं ना, सोचे। तो देखें इसमें क्या है कि ये फोर्स जो है इसका डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, पहले इधर था डायरेक्शन, फिर इधर था, फिर इधर था, तो डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, तो इसलिए वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेट तो हम कर ही सकते हैं, इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा सा बनता है, लेकिन इसको करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, बढ़िया तरीका यह है कि आप इसको ऐसे सोचो, मान लो कि ये ब्लॉक एक रस्सी से बंधा है, ऐसे मान लो कि ये ब्लॉक एक रस्सी से बंधा है, रस्सी एक पुली से गुजर रही है और इस पुली को पकड़ के एक लड़का खींच रहा है, वही केस हो गया भाई, रस्सी का जो फोर्स होगा हमेशा इसी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो अब जब ब्लॉक यहां से यहां जाएगा उस दौरान लड़का पीछे जाएगा, लड़का रस्सी खींच रहा है ना, तो जब ब्लॉक यहां से यहां पहुंचेगा तो लड़का पीछे जाएगा। अब लड़का जो है उसके उसका जो फोर्स है उसका तो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो लड़के का जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। अच्छा, लड़का जब ब्लॉक यहां से यहां पहुंचेगा तो लड़का यहां से यहां तक आर रूट टू डिस्प्लेस हो जाएगा, भाई ये आर ये वाली लंबाई रस्सी की आर रूट टू है, तो जब ब्लॉक यहां से यहां पहुंचेगा तो लड़का आर रूट टू डिस्प्लेस हो जाएगा, फोर्स एफ नॉट लगा रहा है, तो उसका वर्क सीधे सीधे हम कह सकते हैं एफ नॉट इंटू आर रूट टू, ऐसे सोच सकते हैं। बाकी इंटीग्रेट करके तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है तो हमें एंगल देखना पड़ेगा कि भाई कैसा एंगल है, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक और वेरिएबल फोर्स का जो सवाल आता है, कैसे वेरिएबल फोर्स के सवालों को करते हैं, मैं और सिखाने जा रहा हूं एक सवाल, बड़ा बढ़िया सवाल है ये, इस कंसेप्ट पे सवाल आते रहते हैं। सपोज करिए कि कोई एक रैंडम शेप का, कोई एक पहाड़ टाइप का है या कोई इंक्लाइन प्लेन है, जो आप समझना चाहें, इसमें रैंडम शेप है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है, और जो ये है इसका बेस की जो लंबाई है वो एल है, और जो
हाइट है इसकी वो एच के बराबर है, हाइट एच के बराबर है, और इन्होंने बताया है कि इसका फ्रिक्शन कॉफिशियंट न्यू है। यहां पर लोएस्ट पॉइंट पर एक ब्लॉक है और ब्लॉक का मास एम दिया इन्होंने, ठीक है। अब जो सवाल है समझ लें पहले तो, कि ब्लॉक जो है उसको मैं यहां से यहां ले जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है द ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली, द ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली बाय अप्लाइंग ए टेंजेंशियल फोर्स। द ब्लॉक को धीरे धीरे हम यहां से लेकर के जा रहे हैं, तो ब्लॉक इज मूव स्लोली बाय अप्लाइंग ए टेंजेंशियल फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स एज द ब्लॉक रीचेस द हाइएस्ट पॉइंट। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स एज द ब्लॉक रीचेस द हाइएस्ट पॉइंट। द ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली, ब्लॉक को धीरे धीरे हम लेकर के जा रहे हैं, बाय अप्लाइंग ए टेंजेंशियल फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एज द ब्लॉक रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। जब ये ब्लॉक ऐसे धीरे धीरे ले जा रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तब आपको इसका वर्क बताना है, ठीक। पॉज लेंगे 4 मिनट का, पूरी ताकत से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और नहीं आएगा तो फिर आरएसआर का सोल्यूशन देखेंगे। मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें पहली बात तो क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कैच पॉइंट है कि इस ब्लॉक को हम धीरे धीरे मूव करा रहे हैं, धीरे धीरे मूव करा रहे हैं, तो सारे फोर्सेस हमेशा बैलेंस्ड होंगे और जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो टेंजेंशियल टू द पाथ है। जैसे मान लीजिए इसको मूव कराते कराते हम यहां लेके आ गए इसको, अब हम इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं ये फोर्स पाथ के टेंजेंशियल है, ऐसे लग रहा है। एक मूवमेंट के लिए मान लीजिए कि ये ऐसे लग रहा होगा फोर्स, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एंगल थीटा है, इसके ऊपर mg भी लग रहा होगा, mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा, इधर वाला क्या आएगा mg कॉस थीटा, mg का इधर कंपोनेंट mg साइन थीटा, इधर वाला mg कॉस थीटा, फिर इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, म्यू mg या म्यू n लग रहा होगा, इतने सारे फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर mg का। मैंने ये वाला एंगल थीटा मान लिया, तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos sin थीटा, इधर mg cos थीटा, इधर n, और एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा μn के बराबर। तो अब इसमें इन्होंने ये कहा है कि इसको धीरे धीरे ले जा रहे हैं, धीरे धीरे ले जाने का मतलब जितने भी फोर्सेज हैं वो सब फोर्स बैलेंस्ड होंगे। तो अगर बैलेंस्ड होंगे तो जैसे n जो है वो mg cos थीटा के बराबर आ जाएगा ना, और f जो है वो बराबर हो जाएगा, बैलेंस होने सारे फोर्स, तो एफ हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। जो f की वैल्यू आएगी वो बराबर हो जाएगी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये f की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम वर्क डन निकालें तब वर्क डन dw कितना आ जाएगा, f डॉट ds जो है fds हो जाएगा। क्यों एफडीएस हो जाएगा ये मैं समझा देता हूं, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, टेंजेंशियल टू द पाथ बोला है ना भाई, अप्लाइंग ए टेंजेंशियल फोर्स, तो जो फोर्स है वो टेंजेंशियल है पाथ के, तो एफ और डीएस का डायरेक्शन सेम हो गया, एफ और डीएस का डायरेक्शन सेम हो गया, तो ये एफ डॉट डीएस हो जाएगा, तो एफ डॉट डीएस एफडीएस हो गया, और मैं एफ की वैल्यू अगर रखूंगा तो जाएगा एमजी साइन थीटा इंटू डीएस प्लस मी एमजी कॉस थीटा इंटू डीएस। ये जो वैल्यू आएगी, जो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी एमजी साइन थीटा इंटू डीएस प्लस म्यू एमजी कॉस थीटा इंटू डीएस, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखें जरा ध्यान से, डीएस वेक्टर कुछ ऐसा है, ये एंगल थीटा है और मैं इसको डीएक्स बोल देता हूं, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैं डीवाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं, और ये हो गया डीएस वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप
ये बोल सकते हैं, जैसे इसको देख के आप आसानी से बोल सकते हैं कि dx की वैल्यू आएगी ds sin ds cos थीटा, dx आएगा, और dy जो आएगा वो आएगा ds sin थीटा। dx आएगा ds cos थीटा और dy जो आएगा वो ds sin थीटा के बराबर जाएगा। अब हम उसके बाद इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो dw किसके बराबर जाएगा, mg, और ds sin थीटा हो जाएगा dy प्लस म्यू mg, ds cos थीटा जो होगा वो dx के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg into dy प्लस म्यू mg into dx, ये dw की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखें, यहां ds sin थीटा जो था वो dy हो गया, ds इधर है, dx इधर है, dy इधर है, तो ds sin थीटा dy हो गया और ds cos थीटा जो है वो dx के बराबर हो गया। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, y जाएगा 0 से h और x जाएगा 0 से l और w जाएगा 0 से w, w की वैल्यू आ जाएगी mg h प्लस mg l आ जाएगी। तो वर्क डन जो आएगा वो एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल के बराबर जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर स्लोली नहीं बोलता तो हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि स्लोली अगर धीरे धीरे नहीं जा रहा है तो फिर एक्सेलेरेशन इसका हमें पता होना पड़ता। हमने सारे फोर्स बैलेंस कर दिए ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो था इसीलिए सारे फोर्स बैलेंस किए। तो स्लोली अगर नहीं बोलता तो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। अगर ये टेंजेंशियल टू द पाथ नहीं बोलता तब भी सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि टेंजेंशियल टू द पाथ है, इसी वजह से F की वैल्यू इसके बराबर आ गई। अगर थोड़ा तिरछा मिर्छा फोर्स लग जाता तब F इसके बराबर थोड़ी होता। तो टेंजेंशियल टू द पाथ और स्लोली जो बोला हुआ है, ये दो चीजें इस सवाल के अंदर ऐसी हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करती हैं। यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, तो यहां से यहां तक गए रास्ते पर डिपेंड नहीं किया, ये वर्क, ये जो भी वर्क आया ये रास्ते पर डिपेंड नहीं किया है, फिक्स आ गया भाई। यहां से यहां तक ले गए, कैसा भी पहाड़ का शेप था उसके ऊपर डिपेंड नहीं किया, बस हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट था और जो वर्टिकल था उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड की।